दोस्तों अभी की सबसे ब्रेकिंग न्यूज यही है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें जैसे हथरस कांड में, निर्भया कांड में यह साबित करने की कोशिश की गई कि इसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया है, वैसा ही रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि गला दबाने से इसकी हत्या की गई है। तो सबसे बड़ी खबर अभी यही है कि इसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया है, ऐसा रिपोर्ट में आया है। जो पहले से भी अनुमान लगाया जा रहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने की कोशिश की जाएगी, ऐसा ही रिपोर्ट भी आया है कि इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि गला दबाने से इसकी मौत हो गई है। देखिए सबसे बड़ी खबर यही है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़खानी की गई है, ऐसा लोगों का कहना है। काफ़ी व्हाट्सएप फेसबुक पर यह जो लिख करके वायरल किया जा रहा है, क्योंकि जो संदिग्ध अवस्था में बॉडी जो प्राप्त हुआ था उस नदी से, उसमें दिख रहा था कि कुछ कपड़े इधर उधर थे, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें ये कहा जा रहा है कि उसकी मौत गला दबाने से की गई है। हम आपको हर एक खबर दे रहे हैं सुप्रिया हत्याकांड से, और आप लोग इसको प्रबल आवाज मजबूत से मजबूती से रखिए ताकि यह जांच जो हो वह सीबीआई के हाथ में जाए। देखिए आप ये मार्च जो निकाला गया है, वह मार्च जो है आपका कैंडल मार्च, आक्रोश मार्च के नाम से, आज जो राम शरण राय कॉलेज तक समस्तीपुर हाट से लेकर के राम शरण राय कॉलेज की तक निकाला गया था, जिसके देखिए अगुवाई कितने लोग कर रहे हैं, कितने कैंडल मार्च के सहारे ये लोग कर रहे हैं, इसकी अगुवाई कितना जघन्य अपराध किया है कि पूरे देश में अब चर्चा हो रही है। कल दिल्ली में भी इसकी कैंडल मार्च की यात्रा की जाएगी, यहाँ के ही स्थानीय जो लोग होंगे वो कर रहे हैं। यह खबर इतनी फैल चुकी है कि अब देश में भी इसकी किरकिरी होने लगी है। मौजूदा सरकार है, इस पर अभी तक कोई भी एक्शन बिहार सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है, और हम भी आप लोग को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जहाँ तक हो हम अपने न्यूज़ के माध्यम से आप लोग को रिपोर्टिंग करते रहेंगे। हम कोशिश करते हैं कि हर जगह जा कर के रिपोर्ट करते आए, लेकिन जहाँ तक हो हम आप तक पहुँचाने की खबर पूरी कोशिश करते हैं और लगातार करते रहेंगे। अगर देखिए जब तक निर्भया जैसा इसका कांड जो हुआ है उसका उजागर सही ढंग से नहीं किया जाता, तब तक यह आक्रोश मार्च चलता रहेगा, कैंडल मार्च चलता रहेगा। और आप लोग से भी अनुरोध है कि इस आवाज़ को बुलंद कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते जाइए, ताकि आपकी आवाज़ और मजबूती प्रदान करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो जाए, जिससे उनमें भी आक्रोश पैदा हो और अंततः सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारी बहन को, हमारी बेटी को न्याय ज़रूर मिलेगा। तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए।